हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल। और मैं हूँ शुभ्रा। मेरे चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाई हूँ वो है मेरी हेयर केयर रूटीन। मैं अपने हेयर के लिए क्या क्या करती हूँ वो सभी कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और उससे पहले आज जो लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हेयर केयर की बारी आती है तो सबसे पहले वह आते हैं हेयर ऑयलिंग की। तो मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ एक ही ऑयल से, बहुत सालों से कर रही हूँ, वो है पैराशूट कोकोनट ऑयल। पैराशूट कोकोनट ऑयल से मैं अपने हेयर को हेयर ऑयलिंग करती हूँ, हफ्ते में 3 दिन करती हूँ। और इस हेयर ऑयलिंग के ऊपर भी मेरी चैनल में एक वीडियो है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। 100% पैराशूट कोकोनट ऑयल चैलेंज मैंने लिया था और उस वीडियो ने आप लोग काफ़ी उसको पसंद किया है। और उसी वीडियो में मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी जो हेयर केयर वीडियो है वो ज़रूर बनाऊँ, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं जो हेयर ऑयलिंग है वो मैं पैराशूट कोकोनट ऑयल से करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। आई थिंक सभी, मतलब लगभग लोग जो है इसी से अपना हेयर ऑयलिंग करना पसंद करते हैं। और पतंजलि का भी जो कोकोनट ऑयल होता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, वो भी मैंने कई बार यूज़ किया है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हेयर ऑयलिंग के लिए मैं ओनली कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ और कोई ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो हेयर ऑयलिंग के बाद बारी आती है शैम्पू की, और शैम्पू के लिए मैं यूज़ करती हूँ ट्रेस्मी शैम्पू। इसके ऊपर भी मेरे चैनल में एक वीडियो है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। ट्रेस्मी शैम्पू जो है, मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 6 महीने के ऊपर हो गया मैं ट्रेस्मी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके यूज़ करने के बाद मुझे कोई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके मुझे ऐसा लगता है इसको यूज़ करने के बाद ही हमारा बाल जो है काफ़ी स्मूथ हो जाती है, इसलिए मुझे कोई कंडीशनर की यूज़ नहीं करनी पड़ती। इसीलिए मैं कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ अपने हेयर में, ओनली शैम्पू कर लेती हूँ। ठीक है, शैम्पू करने के बाद जब मेरा हेयर जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसी टाइम में मैं लगाती हूँ बायोटिक का, ये जो एक कंडीशनर नहीं है, ये एक सीरम है। ठीक है, ये एक बायोटिक का बायो माउंटेन इबोनी एक हेयर सीरम है। इसको मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल पानी की तरह है और हमारे हेयर के साथ ये बहुत ही अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। ये कुछ इस तरह दिखता है, इसको बहुत ही अच्छा, आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहाने के बाद जब आपके हेयर जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाती है मेरी हेयर, तो मैं इसको थोड़ा सा लेके मैं इसमें इस तरह से स्कैल्प पे जो है लगा लेती हूँ, और लगाने के बाद मैं कुछ देर इसे छोड़ देती हूँ वैसे ही, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ड्राई होने पर मैं कोम कर लेती हूँ। और कभी भी नहाने के बाद, जैसे सभी को पता है, नहाने के तुरंत बाद ही आपने हेयर को कोम नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, हमारे बाल जो है काफ़ी टूटते हैं और हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जब हम लोग हेयर कोम करेंगे तो जब बालों को कोमिंग करेंगे तो शुरू करेंगे नीचे से, ठीक है, इस तरह से नीचे से होते हुए आप जाएंगे ऊपर तक, और नीचे से होते हुए अगर आप लोग कोम करेंगे तो जो हेयर है वो काफ़ी कम टूटेंगे और आपके लिए जो बालों में जो उलझन है उसको सुलझाते बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हो गया। और मैं महीने में एक बार और दो हफ्ते बाद मैं महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार मैं इसको करती हूँ हेयर स्पा घर बैठे। लॉरियल हेयर स्पा क्रीम है ये, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसको भी मैं 6 महीने हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ और ये भी बहुत ही अच्छी तरह मेरे हेयर पे सूट किया है, क्योंकि आपके हेयर जो है कभी कभी उसको थोड़ा सा हेयर को भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये क्रीम जो है बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह की क्रीम है, बहुत ही स्मूथ है
ठीक है, इसको मैं यूज करती हूँ। ये महीने में एक बार, मतलब महीने में दो बार करूँ तो बहुत ही अच्छा है, पर कई बार पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं महीने में एक बार करके तो मतलब कन्फर्म इसको करती हूँ। ये क्रीम लेके मतलब पहले जो बाल है उसको शैम्पू कर लेती हूँ, और शैम्पू करने के बाद जब बाल जो है थोड़ा सा मतलब ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस क्रीम को एक अलग से किसी भी कंटेनर में मैं लेती हूँ, और उसके साथ मैं ये जो मैंने आपको देखा ना सीरम, इसको यूज थोड़ा सा उसमें डाल देती हूँ, और अच्छे से मिक्स करके फिर मैं अपने हेयर में ऐसे ऐसे करके एक एक हेयर में मैं लेके इसको लगाती हूँ, और लगाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, मतलब जितना आप रख पाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन इसको एक घंटा ऐसे मैं रखती हूँ। इसको रख के फिर मैं गर्म पानी में कोई टॉवल भिगा के इसको ऐसे कर, मतलब ऐसे टॉवल में बाल पूरा ऐसे करके फिर मैं उसको रख देती हूँ, मतलब बाल मतलब जो हेयर है उसको मैं स्टीम लेती हूँ उससे, और उसके थोड़ी देर बाद मैं जो है हेयर को नॉर्मल वाटर से मैं उसको वॉश कर लेती हूँ, शैम्पू नहीं करती हूँ, नॉर्मल वाटर से। तो ये हो गया मेरा हेयर स्पा जो मैं महीने में एक बार करती हूँ, घर पे करती हूँ। और इसके बाद रिसेंटली जो मैंने अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड किया है वो है ऑनियन हेयर ऑयल। ये मैंने ऑनलाइन में खरीदा है, और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनियन हेयर ऑयल की बहुत सी कंपनी और बहुत सी वैरायटी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो ऑनलाइन में। तो ये ऑयल, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे हेयर के लिए जो होता है ऑनियन यानी कि प्याज जो बहुत ही अच्छे होता है उसका जूस, तो कई बार क्या होता है ना, घर पे पॉसिबल नहीं होता कि आप हर टाइम मतलब ऑनियन काटो फिर उसको जूस बनाओ और फिर उसको लगाओ, तो कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इसको मतलब ऑनलाइन में ऑर्डर किया तो आए हैं, और इसको लगभग मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, अभी कुछ दिन और यूज़ कर लूँ फिर इसके ऊपर भी मैं एक रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो ये भी मैं कुछ दिन हुए हैं यूज़ कर रही हूँ, और कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं मेरे चैनल में जो भी रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ वो मैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद मुझे जो फील होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये थी मेरी पूरी जो है हेयर केयर रूटीन की, जो जो मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़, मतलब हर कंपनी का कोई एक चीज़ तो ऐसा नहीं होता है, मतलब अलग अलग कंपनी का है, लेकिन ये सब मैं यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो ऑयलिंग, जैसे मैंने बोला ऑयलिंग मैंने किया था पैराशूट कोकोनट ऑयल से, उसके बाद शैम्पू मैं करती हूँ ट्रेस्मी से, और उसके बाद मैं शैम्पू करने के बाद मैं लगाती हूँ ये कंडीशनर जो है बायोटिक का, बायो माउंटेन इबोने, और इसके बाद मैं महीने में एक बार करके मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल का हेयर स्पा क्रीम, और उसके बाद मैं रिसेंटली जो है मेरे हेयर केयर रूटीन में मैंने ऐड किया है ये अनियन हेयर ऑयल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं अपने हेयर के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप देख पाते हो मेरे हेयर काफ़ी लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हेयर जो है ख़राब हो जाता है, और कई बार क्योंकि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं छत्तीसगढ़ की इस जगह पे, यहाँ पे पानी जो है बहुत ही ख़राब है, पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है, तो उसकी वजह से हमारा जो हेयर है वो काफ़ी हेयरफॉल होता है। तो ये थी मेरी आज की मतलब जो भी हेयर केयर के ऊपर जो मेरी राय है, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ वो सभी कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल को देखा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेल बटन आता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।